I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आई डोंट क्रेजी गर्ल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल बिकॉज़ अरफत की तबीयत ख़राब चल रही है। मैंने वीडियो डाली हूँ, जाके चेक कर लेना। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं सी एस टी स्टेशन, और इसका भी मैंने फुल वीडियो ब्लॉग वीडियो डाली हूँ, उसको भी आप लोग चेक कर लेना एक बार। हम लोग बाहर का ही दिखाए थे, अंदर का नहीं दिखाए थे। तो अंदर से CST कुछ इस तरह से दिखता है। और 9:16 मतलब 9 बज रहे थे हम लोग जब जा रहे थे तो। और फिर वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े पंखे ही नहीं, बड़े बड़े घड़ियाँ भी होती है, यानी ब्रिटिश के टाइम का है सब स्टेशन, ब्रिटिश के टाइम का। अभी हम लोग जा रहे थे और ये है CST ब्रिज के नीचे का मार्केट। अभी मैं आप लोग को आने के बाद दिखाऊंगी पूरा मार्केट। अभी चलते हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ये देखो कितनी भीड़ है। सुबह सुबह का टाइम था, फिर भी इतनी लाइन लगी हुई है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके लिए सुबह सुबह हम लोग आए। पूरी नींद ख़राब हो गई मेरी। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और अभी हूँ मैं हॉस्पिटल में। कभी मेरी इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती कि मुझे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। आज पहली बार मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि मुझे हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। मेरी तबीयत ख़राब होती है, हाँ 2-3 दिन तक रहेगी, उसके बाद सही हो जाती है। लेकिन अभी क्या मालूम क्या हुआ है, तबीयत सही नहीं हो रही है। हॉस्पिटल चेंज हो रहा है, दवा चेंज हो रहा है, लेकिन ये तबीयत जाने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करेंगे, अभी आना पड़ा। सुबह सुबह मुझे मम्मी ने उठाया तो मुझे एकदम आलस आ रहा था। मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर पापा आके चिल्लाए तो मैं एकदम डर गई, और फिर जल्दी तैयार होकर फिर यहाँ पे आ गई। और सुबह की नींद भी ख़राब हुई, और सुबह सुबह ये हॉस्पिटल का चेहरा देखना। और ट्यूशन रहता हम लोग का 9 से कितना रहता है, 11 तक सर। और अभी मुझे 12 बजे स्कूल भी जाना है, क्या मालूम जा भी पाऊँगी क्या नहीं। अगर लेट होगा तो फिर नहीं जाऊँगी। सर का कॉल आया था तो मम्मी ने बोले कि अभी तो हम लोग कितने 7 बजे से घर पे से निकले थे, 7:30 से। अभी हम लोग को 2 घंटे आने में ही लग गए, 9 बज गए, अभी 9:30 हो गए। अभी क्या मालूम यहाँ पे, क्या मालूम यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। GT गोकुलदास। तो हम लोग आए GT गोकुलदास हॉस्पिटल में, तो देखते रहो, पता नहीं क्या होता है। हर दुआ में याद रखोगा इसकी, दुआ करते रहो बेचारी के लिए, तो ठपक जाएगी। इतनी भी नहीं हुई है। एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी गांव में, जब मेरे को ना टाइफाइड हुआ था, तब मेरी पूरी 1 महीने ना रेगुलर तबीयत ख़राब थी। मैं बिस्तर पे पड़ी थी 1 महीने तक का। मालूम है मुझे ना, मैं इसके लिए वीडियो नहीं दे पा रही। वीडियोज हैं पर मैं ना, मुझे एडिट करने का टाइम मिलता है ना, मुझे मतलब पढ़ने के चक्कर में जब से मेरा स्कूल चालू है ना, तो से थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है मुझे कि मैं कर सकूँ। इसके लिए मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं देती हूँ, इसके लिए एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग नहीं करूँगी तो अपलोड कैसे करूँगी? सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। सो गाइस, अभी देखते हैं हमारे साथ, देखते हैं अभी क्या होते हैं। इंस्टा पे जैसा प्यार दिखा रहे हो गाइस, यहाँ पे भी वैसे ही प्यार दिखाओ। अभी तो मम्मी गए वहाँ पे, अभी आएंगे मम्मी, क्या मालूम क्या कर रहे हैं। हम लोग को बोले बैठने के लिए, अभी हम लोग जाएंगे, देखते क्या होता है। इंशाल्लाह गाइस आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। कट गाइस, अभी मेरे नंबर बस आने ही वाला है, मैं यहाँ पे पेपर लेके बैठी हूँ, अभी मैं जाऊँगी। सो गाइस, अरफत गई थी एक्सरे करवाने, और ये है हॉस्पिटल के पीछे साइड का गार्डन। और मैं बोर हो रही थी तो इधर का ही वीडियो शूट कर ली। और यहाँ सो अभी एक्सरे हो गया है, और हम लोग जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में उसको चेक करवाने। तो चलो चलते। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, फाइनली हो गया सब कुछ। और वहाँ पे ना बहुत भागना पड़ा हम लोग को। पहले तो हम लोग उसमें जब हमारा नंबर आया तो फिर हम लोग अंदर गए, तो डॉक्टर ने चेक किया, फिर बोले क्या मेरे चेस्ट में पेन है ना,
तो वो लोग बोले एक्स्ट्रा निकाल के लाओ, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए एक्स्ट्रा निकालने के लिए, फिर वहाँ पे गए मेरे को हॉस्पिटल का कपड़ा पहना नहीं, मैं तो एकदम डर गई, मुझे लगा एडमिट वेडमिट करेंगे, फिर उसके बाद नहीं हुआ, सब नहीं हुआ, अल्लाह के फिर इसके बाद मैं कपड़ा पहनी, मैं एकदम डर गई, फिर उसके बाद गई मैं, मेरा एक्स्रा हुआ, फिर एक्स्रे के बाद लोग जा रहे हैं देखो, एक्स्रे के बाद फिर हम लोग रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोले नहीं कुछ डरने वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी इनको मतलब वीकनेस हो गई है, तो हम लोग को बस वही तो दवा लिए हम लोग ने और अभी सब जा रहे हैं घर पे। सो गाइज़ अभी हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और ये है बॉयज़ हाई स्कूल और इसमें बहुत सारे बॉयज़ है, बहुत बड़ा स्कूल है ये, और ये है महाराष्ट्र कौशल जो कि महाराष्ट्र में है, और ये मुंबई का हाई कोर्ट, इसका अभी रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग चालू है गाइज़, इसका काम अभी चालू था, हम लोग को पता नहीं था, ये मुझे तो ये भी नहीं मालूम था ये हाई कोर्ट है, बाहर से देख के इतना बड़ा लग रहा है, मम्मी से पूछी, मम्मी बोले हाई कोर्ट ही है। और ये ब्रिज के नीचे का मार्केट सीएसटी का, ये मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत आगे तक मार्केट है, मैंने थोड़ा सा ली उसका, इसमें ना हर एक चीज़ मिलती है आपको और वो भी आपके बजट में कम रेट में। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगी मार्केट में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है मार्केट इसके लिए। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जा रहे अभी हम लोग, अब है हम लोग ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में भी जाते टाइम पे उतनी भीड़ नहीं होती जितनी आते टाइम पे होती है, क्योंकि वहाँ से गोवंडी से आती ना। सो गाइज आज का व्लॉग मेरा यहीं तक, अब मैं व्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ अपना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट, और आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है उसमें क्या कमी है कमेंट में ज़रूर बताना, और हेड एंड क्रेजी गर्ल को सपोर्ट ज़रूर करो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चुके और आते साथ में हम लोग को खाना बनाना पड़ रहा है ये रहा कुछ क्या है मम्मी ये बथुआ है, इसको मैं जा रही तोड़ने, और फिर अब दाल में डाल के बनाने, आपको खाना है तो आ जाइए खाने।